हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। करने वीडियो में वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। यीशु ने कहा था खुश हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और तुम्हारे खिलाफ बुरी बात कहें। हेलो दोस्तों, आई एम सुजीत कुमार, स्वागत किया जाता है करने पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज के इस समय में मसीहियों को सताया जा रहा है। किसी घर में भाई बहन यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके घर वाले यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है। अगर किसी घर में पति यीशु पत्नी यीशु पर विश्वास करती है और उसका पति यीशु पर विश्वास नहीं करता है तो पति अपनी पत्नी को मारता है कि तू क्यों यीशु पर विश्वास करती है, तू क्यों यीशु का नाम लेती है, तू क्यों चर्च जाती है। ऐसे करके उन्हें सताया जा रहा है। अगर किसी घर में भाई यीशु पर विश्वास करता है और उसके घर वाले यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसके घर वाले उससे अलग कर देते हैं कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हो, अब यहाँ से चले जाओ। ऐसे करके मेरे प्रियो, आज मसीहों को सताया जा रहा है। चर्चों पर हमले हो रहे हैं, पास्टरों को मारा जा रहा है, विश्वासियों को सताया जा रहा है, उन्हें प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे करके उन्हें बहुत सारे सताव का सामना करना पड़ता है। जब यीशु ने पहली बार अपने प्रेरितों को राज्य का प्रचार करने भेजा तो उसने आगाह किया कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। यीशु ने कहा था, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, जैसे मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु ने अपनी व्यवस्था में पहले ही से बता दिया है कि मेरे नाम के कारण सब लोग, क्या घर वाले क्या बाहर वाले, सभी लोग तुमसे वैर करेंगे, नफरत करेंगे। मगर सावधान, यीशु ने आगे क्या कहा था, जो मनुष्य अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे भाइयों और बहनों, किसी के डराने से, धमकाने से और सताने के कारण यीशु को मत छोड़ना। हमें अंत तक धीरज धरना है, धीरज रखना है, जब तक यीशु मसीह हमें लेने नहीं आता है रैप्चर में। अभी थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सह लो, यीशु के खातिर परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा, अमर जीवन देगा, जो कभी नाश नहीं होता है। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के 10 वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो आप जो धर्म के कारण सताए जाते हो, दुख उठाते हो, भला काम करके और धीरज धरते हो, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, यीशु के लिए थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सह लो, परमेश्वर आपको स्वर्ग का जीवन देगा, अमर जीवन देगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, ठीक है भैया। और वह यानी यीशु मसीह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक और न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली की बातें जाती रहेंगी। नए आकाश नए यरूशलेम में जब धर्मी लोग वास करेंगे, अभी आपको दुख तकलीफ झेल रहे हो, अभी आप दुख तकलीफ झेल रहे हो, जब स्वर्ग से नया यरूशलेम, नया आकाश नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी पर आएगा, तब वहाँ कोई शोक विलाप ना दुख तकलीफ और न मृत्यु रहेगी। परमेश्वर सबके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आगे 8 वचन में क्या लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, और टोनों और मूर्तिपुंज को और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंज को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। पहला तस्लुनीकियों 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब परमेश्वर अपने स्वर्ग से अपने दूतों के साथ आएगा, उस समय अपने दूतों को आज्ञा देगा परमेश्वर की, जाओ जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ, करोड़ों लोग इस दुनिया से अचानक गायब हो जाएंगे। जो लोग यहाँ रह जाएंगे उनका बहुत बुरा हाल होगा। जिस समय इस धरती पर से करोड़ों लोग अचानक गायब हो जाएंगे, उस समय इस धरती पर से शांति उठा लेने के बाद इस धरती पर त्राही त्राही मची होगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे हम क्या करें और आगे क्या होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो। मगर हम तो अपना समय एक लड़की को पटाने में गवा रहे हैं, सांसारिक चीजों में गवा रहे हैं। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया उठा लेगा तब क्या होगा इस धरती पर, बताता उस समय 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा।
3.5 साल क्लेश कल के, 3.5 साल महाक्लेश कल के। 7 तुरहिया फूकी जाएंगी, 7 मोहरे खोली जाएंगी, 7 कटोरे उंडे ले जाएंगी उस 7 वर्ष में। जैसे यह के 18:23 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे नहीं प्रसन्न होता कि दुष्ट अपना मार्ग छोड़कर फिरकर जीवित रहे? यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मैं मनुष्य के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, इससे कि दुष्ट मनुष्य अपना बुरा काम छोड़कर, गलत रास्ता छोड़कर अपना मन फिरा ले, तब वह जीवित रहेगा। परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, बल्कि सभी को मन फिराने का अवसर दिया जाए और सब मन फिरा के विश्वास करके उद्धार पाएं और स्वर्ग जाएं और अनंत काल का जीवन पाएं। उस 7 वर्ष में आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे अगर यहाँ रह गए तो, गलती से यीशु के साथ रैप्चर में नहीं गए तो। इसलिए यीशु के साथ रैप्चर में जरूर चले जाना, वरना गई भैंस पानी में। जब परमेश्वर अपने 5वें स्वर्गदूत को यह आज्ञा देगा कि जा अपनी 5वीं तुरही फूक, जो मनुष्य गलती से यहाँ पर रह गए हैं, छूट गए हैं, उनको मेरे क्रोध का पता तो चले। जैसे प्रकाशित हुआ के 9:1 में लिखा हुआ है, आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही आपको बताया जा रहा है। और जब उसने पांचवी तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधेरा हो गए, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उनसे कहा गया ना किसी पृथ्वी की और ना किसी हरियाली को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, तड़पाने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु से दूर भागेगी। जो यहाँ पर रह जाएंगे मसीह विरोधी के दिन में, उनको 5-5 महीने बिच्छू डंक मारेंगे, लगातार मारेंगे, क्या बूढ़े क्या जवान, छोटे क्या बच्चे, सभी को डंक मारेंगे। जो मसीह यहाँ पर रह जाएंगे उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे, उनको कोई दोबारा लेने नहीं आएगा, क्योंकि वे लोग अपना समय एक लड़की को पटाने में व्यर्थ गवाया था। जो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे वे चिंताओं में मर जाएंगे, मगर स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु मसीह इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कोई भी प्राणी नाश हो, लेकिन हम तो अपना समय एक लड़की को पटाने में बर्बाद कर रहे हैं, उसको मनाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर यहाँ रह गए मसीह विरोधी के हाथ में तो मसीह विरोधी आपकी जान निकाल लेगा इस धरती पर। गलती से यहाँ मत रह जाना, मसीह विरोधी के हाथ में मत पड़ना गलती से भी यहाँ, वरना आपको तो पता ही है। इसलिए अपना समय परमेश्वर को दीजिए, वरना आपको पता ही है कि आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जरा सोचो, जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।